हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एग्जाम्पलर बुक और एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू एपी हैव कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लोग कैसे रिएक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो एपी है ए ए टू ए थ्री, ये हमारी फर्स्ट एपी होगी। और सेकंड एपी हम लोग लेट कर लेते हैं स्मॉल ए, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी डी है, सेम आएगा कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ए पी इज टू एंड अदर इज 7। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए है वो आपके पास 2 है और जो सेकेंड ए पी का फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 7 है, ये हमें गिवन है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म्स। जो डिफरेंस उनके 10th टर्म के बीच में है, यानी कि ए 10 माइनस ए 10 सपोज कर लो x है, वो इक्वल है डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म, यानी कि फर्स्ट एपी की 21st और दूसरे एपी का भी फर्स्ट 21st टर्म, वो डिफरेंस भी सेम है। इट मींस वी कैन से कि कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, विच इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। जो कि कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म उठा लो, मतलब सेकंड टर्म उठाओगे इनका डिफरेंस भी x आएगा, इनका करोगे इनका भी x आएगा, यानी कि अगर पहली एपी की आप लोग सपोज करो 20th टर्म ले रहे हो और दूसरी एपी का भी 20th टर्म ले रहे हो, तो उनका डिफरेंस भी आपस में x ही आने वाला है। Why? क्यों? ये हम लोगों से पूछा गया है। इसके लिए हम लोग जनरलाइजेशन पे जाएंगे। सपोज कर लो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एपी की nth टर्म और सेकेंड एपी का nth टर्म, इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने डी लेट किया है। नेगेटिव साइन आ रहा है आगे, ब्रैकेट शुरू कर दो, ए प्लस एन माइनस वन अगेन स्मॉल डी, क्योंकि डी दोनों एपी के लिए सेम है। ए प्लस एन इंटू डी माइनस का डी, ए प्लस एन इंटू डी माइनस का डी। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, एन डी और एन डी, डी और डी कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ ओनली कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 2, यहाँ पे भी आपने लिखी हुई है, और स्मॉल ए की वैल्यू 7 है। तो इसका मतलब क्या है, जब दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम होता है और हम लोग उसकी कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म निकालते हैं, तो उनका जो आपस में डिफरेंस होता है वो सिर्फ उसकी फर्स्ट टर्म के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और इसी वजह से आप कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस करोगे यू विल ऑलवेज गेट अ फिक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू, और यही हम लोगों से पूछा गया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म इज ए माइनस ए, विच इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो इसी वजह से कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस करते हो यू विल गेट द सेम आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।